खबरें अब सामने आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज छठा दिन है और इस पर आज हंगामे होने के आसार भी देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ देखने को मिल सकता है आगे? हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी आज छठवा दिन है और मध्यप्रदेश विधानसभा भी छठवा दिन है। दोनों की सदनों में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों को लेकर बहस हो सकती है, कई नए मुद्दे उठाए जा सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो विधायक सवाल उठाते हैं उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। यदि हम मध्यप्रदेश की बात करते हैं तो मध्यप्रदेश विधानसभा में आज मंत्री को जवाब देना है, राज्यपाल का भाषण हुआ था। आज दल के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य देंगे। उस वक्तव्य के देने के बाद फिर सदन में बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होगी। लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण हिना कावरे का है कि बच्चों को, जो स्कूली बच्चों हैं उनको साइकिल वितरण में अनियमितता का मामला वो उठा रही है, उसको लेकर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, उनने जिस तरीके से शराब दुकान पर कल बंद दुकान को बंद कराने के लिए पत्थर फेंका था, मामले को लेकर विपक्ष मुद्दा बना सकता है। भोपाल में आतंकवादी पकड़े गए हैं, कुछ बांग्लादेशी आतंकवादी चार, वो मामला विधानसभा में उठ सकता है क्योंकि वो एक डेढ़ साल से यहाँ रहना बताया जा रहा था, वो एक डेढ़ साल से यहाँ रह रहे थे, अपना सपोर्ट सेल तैयार कर रहे थे। इस तरह बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर मध्यप्रदेश विधानसभा में भी आज चर्चा होगी, हंगामा भी हो सकता है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, उसको लेकर भी वहां पर भी हंगामे के आसार है। जी प्रभु जी, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि उमा भारती ने जो शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, इस पर भी विपक्ष उन पर निशाना साध सकता है। बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर ट्वीट भी किया था कि जिस तरीके से उमा भारती ने पत्थर फेंककर दुकान को बंद कराने की कोशिश की, शराब की बोतलें तोड़ी है, इस तरीके से यदि जनता भी करने लगेगी तो क्या उमा भारती उनको बचाने आएगी? तो स्वाभाविक तौर पर एक संदेश है, कहीं ना कहीं इसमें कानून के उल्लंघन की बात हो रही है। शराब दुकान बंद कराने के कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं, वो अपनाए जा सकते हैं। ये उमा भारती का स्वाभाविक गुस्सा बताया जा रहा है। वहां जो लोग मौजूद थे उनके अनुसार, वहां पर जब महिलाओं ने उनसे शिकायत की कि यहाँ पर शराब पीकर लोग बदमाशियां करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं, तो फिर उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा जा रहा है कि जिस तहत एक पत्थर उठाकर फेंक दिया था दुकान पर। लेकिन ये घटना जरूर तूल ले रही है मध्यप्रदेश की राजनीति में और विधानसभा में इसको लेकर काफी बहस भी हो सकती है। जी प्रभु जी, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आज विधानसभा सत्र में सीएम भी बोल सकते हैं, इस पर क्या जानकारी है आपके पास कि आज विधानसभा सत्र के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ अहम बातें बता सकते हैं? देखिए, जब नए साल में कोई भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। राज्यपाल उसमें अपनी सरकार की पूरी रूपरेखा बताते हैं कि कैसा अच्छा काम सरकार ने किया, आगे की क्या योजनाएं हैं, कुछ उस बारे में भी प्रकाश डालते हैं। इन तमाम राज्यपाल के जो अभिभाषण है उसको लेकर, उसके मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के लोगों के बीच में बहस होती है, अपनी अपनी राय रखते हैं और उसका जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो आज ध्यानाकर्षण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना जवाब पेश करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि उनकी सरकार ने पिछले दो साल में क्या बेहतर काम किए, कोरोना से किस तरीके से उनने मध्यप्रदेश को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, सरकार के स्तर पर किस तरीके से विकास की सौगातें प्रदेश को दी गई हैं, लाडली लक्ष्मी की योजना को कैसे, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां उनको देने का प्रावधान बजट में किया गया है, संबल योजना में क्या सुधार किए गए। तो एक तरीके से हर वर्ग की बेहतरी के लिए जो सरकार ने जो काम किया है वो पूरा रोड मैप मुख्यमंत्री आज सदन के बीच में रखेंगे। यहाँ पर जो सवाल उठेंगे उसका भी जवाब मुख्यमंत्री देंगे। जी प्रभु जी, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र का छठा दिन है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विधानसभा सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों को भी उठाया जाएगा, तो हमारे जो दर्शक है उनको भी थोड़ा सा जानकारी बताएं कि किन किन मुद्दों को अहम रखा गया है आज के सत्र में। देखिए, आज की कार्यसूची में यदि बात करते हैं तो विधानसभा भी बस शुरू हुई है और प्रश्नोत्तर चलेगा एक घंटे का, उस पर ध्यानाकर्षण होंगे। जैसा मैंने बताया, हिना लिखे राम कावरे का ध्यानाकर्षण है, स्कूली बच्चियों को साइकिल वितरण से संबंधित, उसको लेकर सवाल जवाब सरकार से पूछ सकते हैं। उस पर मुख्यमंत्री अपने अभिभाषण का जो जवाब है वो मुख्यमंत्री देंगे और फिर जो बजट पेश किया गया है मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा, बजट पर सामान्य चर्चा होगी। या तो पंचायत राज से जुड़े हुए दो विधेयक विधानसभा में आज पेश किए जाने वाले हैं, पंचायती राज संशोधन विधेयक हैं। इसके बाद फिर बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होगी, विभागवार चर्चा जिसको बोलते हैं, वो विभागवार चर्चा शुरू होगी और हर विभाग के बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या नई योजनाएं सरकार आम प्रदेश की जनता के लिए लाने वाली, उन तमाम मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और सदन में मौजूद तमाम विधायक अपनी अपनी राय रखेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ सुझाव दे सकते हैं वो।
कि इनको बजट में नए मुद्दों को शामिल किया जाए, तो इस तरीके से चर्चा लगातार अभी जारी रहेगी।